दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, बहुत सारे न्यूली पोस्ट हुआ है। तो जो लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग क्या क्या है सब कुछ। तो मैं दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस पेज में आना होगा, इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के और जो कि ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों इसके बाद इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च जॉब जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने बाद आपको ओके जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ओके में क्लिक करने के बाद और एक वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें वेबसाइट में जाके आप जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है जॉब आप सब जॉब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते TCS रिकॉग्नाइज एज ए टॉप एम्प्लॉयर इन कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसेंटली यहाँ पे जो जो रिसेंटली जॉब सर्च हुआ है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो जो मतलब पोस्ट हुआ है मैं अभी आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल में बोलूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो कि सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते कि सर्च जॉब में क्लिक करना, तो यहाँ पे सर्च जॉब में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है यहाँ पे चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फास्ट जो कि यहाँ पे चला आया है IT सर्विस मैनेजमेंट, जो कि कोलकाता पोस्ट है। इसके बाद है ATG कॉमर्स, जिसका मुंबई में पोस्ट है। इसका जॉब लोकेशन IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। उसके बाद है एयर वॉच एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोलकाता क्लाउड AWS Azure एडमिन। तो इस तरह से आप लोग के एक बात बता देता हूँ कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया में जो जो शहर है, ऑल ओवर इंडिया में जो शहर है, जो जो शहर है यहाँ पे आपको हर एक शहर में बहुत जो कि रिक्रूटमेंट निकला होता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी शहर से बिलोंग करते हैं तो उस शहर के लिए अगर कोई भी जॉब निकला होता है तो आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आप दूसरे शहर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना हो। तो आपको अगर आपको इस जो जॉब है इट्स सर्विस मैनेजमेंट, इसको अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के आपको यहाँ इसमें क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद इसका जो जॉब डिटेल्स है यहाँ पे चला आया है। आप लोग देख सकते हैं जॉब लोकेशन जो रहेगा यहाँ पे कोलकाता। एक्सपीरियंस चाहिए 3 to 10 ईयर्स के। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे IT सर्विस मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म टू ऑटोमेटेड द डे टू डे कॉरपोरेट बिजनेस प्रोसेस डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लाइक इंसिडेंट प्रॉब्लम एंड चेंज एक्सेट्रा। जॉब फंक्शन जो है टेक्नोलॉजी, रोल है टेक्निकल लीडर। जॉब ID 133237। डिजायर स्किल जो है ITSM। डिजायर स्किल जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट। तो जो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है अंडर ग्रेजुएट आपको आप चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 12 पास हो तब भी आप अप्लाई कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अप्लाई बटन जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज जो है यहाँ पे चलाया आएगा। इस पेज को आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ इंटरेस्टेड। तो आप कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, IT और BPO, आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो कि एक अगर आपका वैलिड ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा, उसका आपका कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद टाइटल देना होगा, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको वो देना होगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड जो भी है आपको यहाँ पे देना, पैन कार्ड का नंबर। उसके बाद आपका जो स्किल है आपको यहाँ पे देना होगा।
दोस्तों उसके बाद आपको प्रेफर्ड लोकेशन जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, आप कौन सा इलाका के लिए कंफर्टेबल है उसको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आप करंट लोकेशन क्या है आपको वो देना होगा। उसके बाद आपका जो रिज्यूम है आपको रिज्यूम जो कि यहाँ पे आपको अटैच करना होगा या सबमिट करना होगा। तो दोस्तों आप को ध्यान रहे आपका जो लेटेस्ट वर्सन ऑफ रिज्यूम है आप वो ही यहाँ पर सबमिट करें। उसके जो कि पूरा जो कि आपको वो सबमिट करना है। उसके बाद वीडियो का अगर कोई भी आपको वीडियो रिज्यूम है तो आप यहाँ पे वो दे सकते। वीडियो रिज्यूम होता है कि अगर आप कैमरा आपको कैमरा के सामने बैठ के कोई भी अगर आपका डिटेल जो है आप बोल के जो रिकॉर्डिंग कर चुके हो वो यहाँ पे वो देना होता है। उसके बाद आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन जो लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, इसका आपका जो फॉर्म है या एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन है आपको ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो जाएगा इस कंपनी के लिए। उसके बाद अगर आपका जो CV या रिज्यूम है अगर सिलेक्टेड होता है फॉर दिस पोस्ट तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू अगर आप पास कर जाते हो तो उसके बाद आपका जो कि यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में आप बहुत सारे जो पोस्ट है यहाँ पर आप पा सकते। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।